गौरव ऑटो मोबाइल आपको देता है लाइव स्ट्रीमिंग, फिट पार्ट, स्पेयर पार्ट 100% गारंटी के साथ, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट टूल एंड एक्सपर्ट टीम आपकी वाहन की हर जरूरत को ध्यान रखती है। गौरव ऑटो मोबाइल स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज पर 20% तक की छूट, इसके अलावा फ्री सर्विस डिस्काउंट कूपन, वो भी 90 दिनों तक वैध। हमारा पता है चंद्रवंशी नगर मेन रोड, सिंहोड़ी, गिरिडीह, झारखंड। मोबाइल नंबर 7004988523 और 9835938578। गिरिडीह में झारखंड 108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू की है। 15 अक्टूबर 2024 को जिला अध्यक्ष बबलू तांती के नेतृत्व में गिरिडीह के एडीएम परिसर में यह हड़ताल शुरू हुई है, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड मजदूर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव रघुनंद विश्वकर्मा और प्रमुख अन्य नेता मौजूद थे। कर्मचारियों ने अपनी मांगों में वेतन भुगतान की अनियमितता, पीएफ, बीमा और चिकित्सा सुविधा की कमी पर जोर दिया है। अशोक कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड सरकार पिछले 7 वर्षों से एम्बुलेंस कर्मियों का शोषण कर रही है। राज्य भर में 4000 से अधिक कर्मचारी वेतन, नियुक्ति और अन्य सुविधाओं में भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण कर्मियों की स्थिति दयनीय हो गई है और सरकार की मिलीभगत से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कर्मचारी संघ ने 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। इस भूख हड़ताल के दौरान जिला सचिव मनोज कुमार वर्मा और अन्य नेताओं ने भी सरकार से जल्द मांगों को पूरा करने की अपील की है। सभा में सर्वसम्मति से तय किया गया कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगा। संघ के नए पदाधिकारियों का भी चयन किया गया है, जिसमें रूपलाल महतो और को संरक्षक और बबलू तांती को अध्यक्ष चुना गया है। देखिए, 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस में काम करने वाले ये सभी चालक और तकनीशियन हैं। इस जिला में 37 एम्बुलेंस है, 150 के लगभग कर्मचारी हैं, समूचे राज्य में 4000 कर्मचारी है। सच्चाई ये है कि एम्बुलेंस इनका सरकारी है, सरकार ने दिया है, हॉस्पिटल सरकारी है, बीमारी भी जब तक दुनिया है तब तक बीमारी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट देकर इन बेरोजगारों का भरपूर एक तरह से शोषण हो रहा है। 7 वर्षों से कंपनी बदलती रही है और ये डेली वेज ये काम करते रहे और कोई कंपनी 2 महीना का वेतन लेके भाग गया, कोई 1 महीना का वेतन लेके भाग गया, इसलिए यहाँ स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब 3 महीने से यह 4th महीना चल रहा है वेतन नहीं दिया और कंपनी भागने वाली है। हैदराबाद की कंपनी नहीं, वो भी अगर झारखंड का रहता तो धनबाद में पकड़ लेते, बोकारो में पकड़ लेते, हैदराबाद की कंपनी है और ये की काम अजाल है कि ये जाके उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए और 7 वर्षों में आश्चर्य है झारखंड में स्वास्थ्य सेवा में लगे कर्मी जो रात दिन एम्बुलेंस चला रहे हैं, बीमारी ढो रहे हैं, पीएफ नहीं कटा, बीमा का लाभ नहीं है, चिकित्सा का लाभ नहीं है। अगर एम्बुलेंस कर्मी एक्सीडेंट में मर गया या किसी तरह से गाड़ी में मर गया तो उसको उस महीने का वेतन भी नहीं मिलेगा, उसके अलावा उसका परिवार का क्या होगा, ये कोई जिम्मेवारी उसकी नहीं है। इसलिए विवश होकर साफ शब्दों में हम लोगों ने कहा है कि जब तक हमारा वेतन भत्ता की गारंटी नहीं होगा, तुम्हारे इस एजेंसी के चक्कर में हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया, 7 वर्षों तक हम काम करते रहे, इसे सरकार से 6 सूत्री मांग रखा और मांग यह रखा कि पहले तो बकाया वेतन जो 3 महीना है वो 3 महीना का बकाया वेतन भुगतान कर दो, पीएफ या ईएसआई और हमारा बीमा का लाभ दे दो, फिर अगर हम मरते हैं तो अनुकंपा के आधार पर मेरा क्या हासिल होगा वह तय कर दो। और साफ शब्दों में कहा कि जब तुम्हारा यह सारा चीज अस्थायी है, बीमारी अस्थायी है, गाड़ी अस्थायी है, हॉस्पिटल अस्थायी है, डॉक्टर अस्थायी है, तो फिर हम अस्थायी कहे रहेंगे, एजेंसी की वजह से हमको भी सरकारी सेवक घोषित करो ताकि हम अपना भविष्य कर सकते हैं। इन्हीं बिंदु को लेकर आज से भूख हड़ताल कार्यक्रम शुरू हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा तो हम कोई इलेक्शन लड़ने वाले लोग नहीं, हम तो एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हैं, मजदूरी हमको नहीं देगा तो हम अभी धरना पर नहीं बैठेंगे, हम चुनाव के बाद धरना पर बैठेंगे, क्या संभव है क्या? और चुनाव आयोग भी ये समझता है कि जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको मजदूरी मिलना चाहिए, इसी आधार पर हमारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कार्यक्रम आज से चलेगा। गाड़ी भी भूख हड़ताल कार्यक्रम में, एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस के संबंधित सभी कर्मी भी भूख हड़ताल में। अशोक सिंह जिंदाबाद।